वेलकम टू मैट्रिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं अगर कोई भी नंबर लें और इसकी पावर ज़ीरो कर दें तो वन क्यों आता है। हमने अक्सर पढ़ा है कि फाइव की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो वन के इक्वल होगा, या सिक्स की पावर ज़ीरो हो तो वो भी वन के इक्वल होगा, या अगर हम सेवन की पावर ज़ीरो ले लें तो वो भी वन के इक्वल होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर लें और इसकी पावर ज़ीरो कर दें वो भी वन के इक्वल होगा, या इसी तरह से अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लें माइनस फाइव की पावर ज़ीरो कर दें तो वो भी वन के इक्वल होगा, या माइनस सिक्स की पावर ज़ीरो कर दें तो वो भी वन के इक्वल होगा। ये हमने इंटीजर्स ले लिए थे। अगर हम नॉन इंटीजर्स नंबर की बात करें, इस तरह वन अपॉन टू की पावर ज़ीरो कर दें तो वो भी वन के इक्वल होगा, या थ्री अपॉन फोर की पावर ज़ीरो कर दें तो वो भी वन के इक्वल होगा। अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें, इस तरह अगर हम अंडर रूट टू की पावर ज़ीरो कर दें तो वो वन के इक्वल होगा, या अंडर रूट थ्री की पावर ज़ीरो कर दें तो वो वन के इक्वल होगा, या अगर हम पाई की पावर ज़ीरो कर दें तो वो भी वन के इक्वल होगा। दोस्तों, हमने पढ़ा कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर लें और उसकी पावर ज़ीरो कर दें तो वो वन के इक्वल होगा, या कोई भी नेगेटिव नंबर लें और उसकी पावर ज़ीरो कर दें तो वो भी वन के इक्वल होगा, या कोई भी नॉन इंटीग्रल नंबर लें और उसकी पावर ज़ीरो कर दें तो वो वन के इक्वल होगा, या कोई भी इरेशनल नंबर लें और उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो भी वन के इक्वल होगा। कैसे कोई भी नंबर उसकी पावर ज़ीरो लेने से वन के इक्वल होगा? दोस्तों, आप लोगों को एक प्रॉपर्टी मालूम होगी, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन। वी नो दैट। दोस्तों, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी मालूम होगी कि ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन। अगर हम m को इक्वल कर लें n के, यानी अगर m की जगह n पुट कर दें तो देखिए क्या होगा। अगर हम m की जगह n पुट कर दें और यहाँ पे भी राइट साइड पे भी m की जगह n पुट कर दें तो क्या होगा? हम जानते हैं n की माइनस n बराबर होगा ज़ीरो के, तो राइट साइड जो है हमारी ज़ीरो हो जाएगी। लेफ्ट साइड में क्या होगा? अगर दो सेम नंबर आपस में डिवाइड हों तो आंसर वन आता है, ठीक है। इसी तरह ए एन डिवाइड बाई ए एन बराबर होगा वन। तो दोस्तों, हमने प्रूफ कर लिया कोई भी नंबर उसकी पावर ज़ीरो लें तो वो वन के इक्वल होती है। ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए फाइव भी हो सकता है, ए सिक्स भी हो सकता है, ए माइनस टू, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फोर, पाई, ए कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर कोई भी वैल्यू उसकी पावर ज़ीरो लें तो वन के इक्वल होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस भी होता है। एक्सेप्शन केस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी नंबर लें और उसकी पावर ज़ीरो कर दें तो वो वन के इक्वल होता है, लेकिन अगर ज़ीरो की पावर ज़ीरो करें तो वो वन के इक्वल नहीं होता। ज़ीरो दुनिया का वो वाहिद नंबर है कि जिसकी पावर ज़ीरो करने से वन के इक्वल नहीं होता। यानी हमने पढ़ा था ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन। यानी हम ए की जगह अगर कोई वैल्यू लें, कोई भी वैल्यू लें, यानी ए की पावर जगह हम वन लें, टू लें, थ्री लें, अंडर रूट टू लें तो वो वन के इक्वल होता है, लेकिन अगर ए ज़ीरो हो तो वो वन के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में वन आ जाए, अगर डिनोमिनेटर हमारे पास वन हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। डिनोमिनेटर जब भी ज़ीरो हो तो वो पूरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो ये पूरी वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर ज़ीरो की पावर ज़ीरो हो तो वो अनडिफाइन होता है, ठीक है। दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों ए की पावर ज़ीरो वन के इक्वल होता है और क्यों ज़ीरो की पावर ज़ीरो वन के इक्वल नहीं होता, ठीक है। दोस्तों, थैंक यू।